आइए मिले हमारे पहले कैंडिडेट से जो कि सीरियल किलर है। इनको 2 दिन की भी छुट्टी मिल जाए ना, ये ऐसे फरार होंगे जैसे कि इनको बरसों से छुट्टियां ना मिली हों। इनको करना क्या होता है, एक लग्जरियस रिसॉर्ट बुक किया और उसी रिसॉर्ट में पड़े रहना होता है दिन रात शाम। इनको बाहर के वेन्यू डेस्टिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। इनको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, स्विमिंग पूल यूज कर लेंगे या फिर वहीं रिलैक्स कर लेंगे और लोगों को ताड़ लेंगे। अरे हाँ, ज्यादा से ज्यादा और क्या कर लेंगे, बिलियर्ड्स खेल लेंगे क्लब रूम में जाके और फिर बस और क्या, पड़े रहेंगे पूरे दिन भर लॉन में। अरे भैया, स्विमिंग पूल नहीं है? है? अच्छा, उसमें वो गर्म पानी आएगा? नहीं आएगा? कैसा है यार स्विमिंग पूल तुम्हारा, पुराने जमाने का? भैया, डू यू हैव टेबल टेनिस इन योर क्लब हाउस? ओके, यू डू। तो उसमें यू हैव दैट ऑटोमेटिक रोबोटिक मशीन ऑल्सो, राइट? यू डोंट? भैया, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपके रिसॉर्ट में स्पा है? स्पा मसाज नहीं है? ये कैसा रिसॉर्ट है भाई, देख लो, होगा? क्या ही बताऊं, कैसा रिसॉर्ट है ये? टेबल टेनिस है तो ऑटोमेटिक रोबोटिक प्लेयर नहीं है, स्विमिंग पूल है तो हॉट वाटर सर्विस अवेलेबल नहीं है, जिम है तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स नहीं है। खेलना चाहे आए या ना आए, पैसे तो पूरे दिए हैं तो खेल भी लेते हैं। चलो आओ खेले गोल्फ। एक्सक्यूज मी, अच्छा भैया मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या क्या एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज अवेलेबल है? अच्छा जिम, ओके। अच्छा गोल्फ कोर्स भी है, ओके। स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ओके। स्पा, स्टीम, बियर्स, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। चलो गोल्फ कोर्स का तो हमने पैसे वसूल लिए, अब जाते हैं हम स्विमिंग पूल के मजे लेने। ओ ये क्या है, ओ इनके पास बास्केटबॉल, लॉन टेनिस का लॉन भी है, नाइस। ओए मोंटू, चल ये भी खेल लेते हैं क्या गेम। चलो अब हम इसके पैसे वसूलने जा रहे हैं। यार यहाँ जो इन्होंने लॉन बनाया है और ये जो फाउंटेन है, इसके तो पैसे दिए हमने, यहाँ भी बैठ जाते 2 मिनट, इसके भी मजे ले लेते हैं, इसको क्यों वेस्ट करना। जब तुम लोग नीचे आओगे ना तो बच्चों को ले आना, बच्चे भी यहाँ पे 2 मिनट खेल लेंगे, मजे ले लेंगे और क्या। फाइनली स्विमिंग पूल मिल गया, लेट मी गो हैव अ स्विम नाउ। जितने पैसे हमने दिए थे उतने तो हमने वसूल लिए, बाकी तो हमारा ही बेनिफिट है। तुम्हें आइडिया भी है, हम ना बिना पंखे के सोते थे और तुम्हें तो सेंट्रलाइज्ड एसी चाहिए। अब देख रहे हो तुम कितने लकी हो तुम लोग, पता है हमारे जमाने में तो ये कुछ होता भी नहीं था, हम तो जमीनों पे सोते थे। पता है तुम कितने लकी हो इस रिसॉर्ट में आके, हमने तो जमीनों पर बैठ के खाना खाया है, हमारे जमाने में कहाँ इतनी लग्जरी थी। हम तो धन्य है बस भगवान की, कि कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो भगवान ने हमें ये दिन दिखाया। अभी तो तुम इन सब चीजों की कदर नहीं करते हो, हमारे जमाने में हमारे जैसे जीते तो समझ आता तुम्हें भी। Oh come on, how can I forget these bloggers who book luxurious resorts to just get that perfect shot and video? What's good you guys, this is Priyaank Arora, thank you for watching my channel. This is it for today's types of people you find in the resorts. And if you like this video interesting, don't forget to subscribe to my YouTube channel. Give me a like down and comment. See you until next time.